वेलकम टू टेक्निकल साइड सपोर्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से किसी इमेज को पीएनजी बना सकते हैं। दोस्तों ये तो वीडियो है टेक्निकल छोटे सपोर्ट का, उन्होंने कमेंट किया था कि प्लीज बताएं कि पीएनजी मैं किस टाइप से इमेजेस बना लेता हूँ अपने स्मार्टफोन में, कैसे पीएनजी इमेज किस टाइप से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सहेल और आप देख रहे हैं टेक्निकल सेल सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, इस तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने तो मुझसे पूछा है कि पीएनजी किस टाइप से बनाते हैं इमेज। तो जैसे कि मैं अपने थंबनेल्स में अपना पीएनजी इमेज खुद का लगा के एक तरफ लगा देता हूँ, जिससे कर सकते हैं। तो इसी में उन्होंने पूछा है। तो देखिए स्मार्टफोन में पूछा है तो अब मैं ओरली थोड़ी ना बता सकता हूँ। तो चलिए स्मार्टफोन की तरफ। दोस्तों आ चुके हैं हम लोग मोबाइल स्क्रीन पर। और दोस्तों इसके लिए मैंने अभी ओपन कर रखा है पिक्सल ऐप, जिसका मैं ट्यूटोरियल अपने चैनल पे दे चुका हूँ। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थंबनेल बनाने आया है आपको तो आसानी से इस एप्लीकेशन से बना सकते हो। और साथ ही साथ आप इसमें जो है ना, इसमें एक साथ साथ में आपको पीएनजी बनाने का भी मिलेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको शुरुआती मिलता है, उसको डिलीट करें। अब क्या करना है, आपको अपना कोई भी एक बैकग्राउंड चूज करें। मुझे कोई बैकग्राउंड अभी नहीं चाहिए, जैसे कि है मैं वही रख सकता हूँ। मान लीजिए मैंने वही करा और ओके कर दिया, ठीक है। तो करना क्या है, अब हम लोगों को इमेज को करना कैसे है, तो चलिए इम्पोर्ट पे चलते हैं। इम्पोर्ट करेंगे एक इमेज पहले तो इधर। तो चलिए कर लेते हैं कोई इमेज। तो चलिए मेरा ये वाला इमेज है, तो चलिए मैं इसको इम्पोर्ट कर लूँगा। और सिंपली इधर से आपको क्रॉप व्रॉप करना तो करिए, मुझे नहीं करना इसलिए मैं टिक पे क्लिक करके इसको क्रॉप कर लूँगा, मतलब कि अपना जो भी है वो कर लेंगे। तो देखिए तो ये मैंने कर लिया इधर से आसानी से। अब क्या करना है, मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो मैं किस टाइप से करूँगा, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप, जो आपका पीछे का जो ये इधर से लगा रहेगा बैकग्राउंड, जो भी इधर पीछे का आपका जो बैकग्राउंड है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपका पीछे का मेरा रेड बैकग्राउंड है, तो मतलब कि जो भी आपका एकदम प्लेन एक ही कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। मान लीजिए आपका अगर पीछे ग्रीन है तो एकदम से पूरा ग्रीन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा ग्रीन है आधा कुछ और कलर का है, या फिर आधा डार्क है आधा लाइट है। आपको एकदम प्लेन कलर चाहिए, जिसकी मेरा बैकग्राउंड में एकदम रेड प्लेन कलर है, जैसे कि आप इधर देख पा रहे होगे, ठीक है। तो इस टाइप का चाहिए। फिर करना क्या है, आपको इसको कहीं भी अच्छी तरह एडजस्ट कर लें। चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, उधर साइड में लगाता हूँ। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है, इधर से आपको ऑप्शन मिलेगा इरेज कलर का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपको इसको इनेबल नहीं है, तो आपको इसको इनेबल करना है, तो इनेबल करते हैं। चलिए जैसे ही इनेबल किया, अब आप सोचोगे कुछ नहीं हुआ, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी अगर आपका नहीं होता है तो आपको करना क्या है, आपको ये बटन मिलेगा जो वन के बगल में आपको मिलेगा, तो उस पर क्लिक करना है। फिर आपको इधर से जिस कलर को आपको रिमूव करना है उस पर सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इधर से जो टिक बटन है इस पर क्लिक कर दूंगा। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए बैकग्राउंड मेरा चेंज हो चुका है। तो देखिए अच्छी तरह से हम लोगों का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, आराम से आप इसको कर सकते हो और आपको टिक कर देना है। आप देखिए अब आपको भी रेड रेड क्यों आ रहा है, तो देखिए आप इसको आसानी से इरेजर से भी कर सकते हो एक तरीके से इस टाइप से। तो लेकिन इसमें आपको दिक्कत होगा, इसलिए थोड़ा सा संभल कर आपको जूम वूम भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो। देखिए किसी भी कलर का हो ज़रूरी नहीं है, आप आसानी से उसको पीएनजी बना सकते हो। और जैसे जैसे कि मैं इसको इरेज करता जा रहा हूँ, इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। एक किसी भी इमेज को आसानी से आप कर सकते हो पीएनजी इस तरीके से। आप देखिए इस टाइप में तो बहुत समय लग जाता है। तो देखिए याद रखिए, जो आपका पास पास का तब आप अपने बॉडी का करते हो तो उस तरफ ध्यान रखिए, तो उस तरफ आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उस तरफ अगर आप ध्यान नहीं रखते हो तो आपका प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। जिस टाइप से आप देख पा रहे हो मैं एकदम साइड साइड में आराम से कर रहा हूँ। आप मोटे रेजर से, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, वरना अगर मैं आराम आराम से बैठता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ रेज और तब आपका हो जाए। तो आप इधर से टिक पे क्लिक करके आसानी से देखिए आराम से अपना हो जाएगा जो भी आपको करना है। अब आप कहोगे अभी दिक्कत है, चलिए इधर से स्ट्रोक आप इसको इनेबल कर सकते हो। स्ट्रोक को कुछ रेड कलर का ही करें और एकदम इसको डार्क कर दे। तो देखिए ऐसा ही लग रहा है कि अपना ये स्ट्रोक है, ना कि हम लोगों का कुछ और है। तो देखिए अगर आप इसका स्ट्रोक का इनेबल कर दोगे, रेड वही कलर हो आपका, आसानी से आप कर सकते हो कोई भी एक कलर। तो मान लीजिए मैं इधर से वाइट कलर यूज़ कर लूँगा, वाइट तो ये दिख ही नहीं रहा है। तो इस टाइप का कोई कलर, इस टाइप का आपको कोई कलर चूज़ करना है जो इसमें दिख जाए। तो चलिए मैं ये कलर यूज़ करता हूँ। और आप चाहें तो जिस कलर का आपका जो बैकग्राउंड था और ये लाइंस बन के आ रही हैं, उस कलर का आपको ये अपना रखना है। तो चलिए मैं ये कर देता हूँ और इधर से टिक पे क्लिक कर दूंगा। तो एक तरीके से आपका ये पीएनजी बन गया। अभी नहीं बना है जो आपका बैकग्राउंड है, इसका अभी आपको कोच करना है। करना क्या है,
आपको जो इधर से नेक्स्ट वाला ऑप्शन आता है इस पे क्लिक करना है, इधर से आपको इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है, ठीक है। अब आपको इसको सेव करना है, तो चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ अपने गैलरी में, चलिए कर देता हूँ। और ये हो रहा है अभी, देखिए हो चुका है दोस्तों, वो तो अपना सेव हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना क्या है, उसी इमेज को इधर लाना है। किस टाइप से लाएंगे, वो PNG बन चुका है तो लग करना क्या है, इसको वापस उस इमेज को इम्पोर्ट करना है जो हम लोगों ने अभी PNG बनाया था। देखिए ये रहा वो इमेज, हम लोग सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इधर से टैग कर देंगे। तो ये देखिए आ गया अपना इमेज, आसानी से आप थंबनेल बना सकते हो, ये देखिए आ गया है। सबसे बड़ी बात तो आपको साइड में स्ट्रोक लगाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, मैं इस टाइप से ही कर देता हूँ, आसानी से मेरा हो जाता है। तो देखिए मैं इधर से टेक्स्ट वेक्स डालना हो तो मैं इधर से कोई भी डाल दूंगा, जैसे कि मैं डाल देता हूँ लैपटॉप वर्सेस कंप्यूटर डाल देता हूँ, ठीक है। लैपटॉप्स फुल एक्सप्लेन ये डाल देता हूँ, ठीक है, लैपटॉप फुल एक्सप्लेन और ओके कर दूंगा। देखिए अब आपसे आराम से जो भी अपना साइज वाइज है, हम लोगों को इससे मतलब नहीं है, अपना इमेज से मतलब है PNG बन चुका है, जैसे कि मैं आपको दिखाया। आसानी से आप किसी भी इमेज को इस तरीके से PNG बना सकते हो, आराम से आपको क्या करना है, इस पे जाना है, इमेज को सिलेक्ट करना है और इधर से इरेजर के बटन पे आप चाहें तो कर सकते हो, तब आपका थोड़ा सा इरेजेबल ना हो, और आसानी से इरेज कलर पे जाके इसको इनेबल करके इसका इरेज कलर कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वाला आइकन को भी प्रेस करना इस तरह की वीडियोस के लिए, हमेशा हमारे चैनल पर बने रहना। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।